कहेंगे नाचने में क्या जा रहा है, एक लड़की अगर आधे कपड़ों में नाचती है तो क्या बुराई है इससे, कि अगर कोई लड़की आधा कपड़ा आधे कपड़े पहन के जाती है तो वो बुरी नहीं है, बुरा वो है जो उसको गंदी नजरों से देख रहा है। तो उसका असल जवाब ये, मैं मानता हूं कि वो बुरा है जो गंदी नजरों से देख रहा है, लेकिन जो इस दिखाने का इंतजाम कर रही है क्या वो बुरी नहीं है? भाई वो भी बुरा है जो गंदी नजरों से देख रहा है, लेकिन वो भी बुरी है जो इसका इंतजाम कर रही है। मर्द आधे कपड़ों में जाए कोई गंदी नजरों से नहीं देखता, इसलिए कि वो उसमें अल्लाह ने ये चीज नहीं रखी है। अगर औरत जाएगी तो सब उसकी तरफ देखेंगे, ये इसकी अलामत है कि अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है कि अगर वो पूरा लिबास नहीं पहनेगी तो गंदे लोगों की गंदी नजरें उस पर पड़ सकती है। लिहाजा जो गंदी नजरें डालेगा वो भी बुरा है, जो इसका इंतजाम कर रही है वो भी बुरी है। ये चीज इन लोगों को समझ में, ये जो लिबरल लोग हैं इनकी समझ में ये चीजें नहीं आती, इसलिए कि आखिरत का खौफ नहीं है। हिसाब अगर जवाबदही का खौफ होता ना फिर ये बातें नहीं करते, खौफ नहीं है उनको, वो समझते हैं मर के मिट्टी होकर खत्म हो जाएंगे तो लाइफ को क्या करो, इंजॉय करो। जो गलत चीज मुआशरे में प्रोमोट, बेहयाई का एक तूफान है जो मुआशरे में आ चुका है। कुरान ने हमें बता दिया इन अल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, हमारे पास इस पे बहस करने का ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। कुरान कह रहा है, मैं कह रहा हूं, पहले अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, वमन असदकु मिनल्लाहि कीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की नहीं हो सकती। बल्कि अल्लाह ने सवाल किया, बताओ अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की हो सकती है? क्योंकि अल्लाह को झूठ बोलने की जरूरत है नहीं। हम अगर झूठ बोलते हैं भाई, कोई मसाइल में फंस जाए, अल्लाह की किसी मसले में नहीं फंसता, वो तो कायनात को बनाने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं उससे ज्यादा सच कौन बोलेगा, तो अल्लाह ने क्या सच बोला, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करता। हर वो चीज जो बेहयाई है, फहाशी है, अल्लाह उसको कभी भी पसंद नहीं करता। ये ऐसे ही है जैसे औरत आधे कपड़ों में जा रही है और लोग कहें उसको देखने वाले बुरे हैं, ऐसे ही है जैसे कोई हीरोइन लेके जा रहा हो, चरस और हीरोइन है भाई। अब लोग कहें जो इससे हीरोइन खरीद के पिएगा वो खुद अपना जाती अमल है बुरा कर रहा है। भाई जो उस बुराई को प्रमोट कर रहा है, जो उस बुराई का जरिया बन रहा है, वो भी बुरा है या नहीं? क्यों हुकूमत छापे मारती है जिसकी जेब से हीरोइन निकली, पकड़ लो। बहुत से लोगों की जेब से हीरोइन निकलती है, वो कहते हम तो नहीं पीते भाई, हम तो नहीं पीते। भाई आप पीते नहीं है लेकिन पिलाने का पूरा पूरा आपने, आप जिना नहीं करते, मगर जो औरत अधूरे कपड़े पहन के निकलती है वो जिना का पूरा इंतजाम कर रही है, वो मर्दों की शहवतों को भड़का रही है। जब ये शहवत भड़केगी तो जाहिर है बहुत कम लोग होते हैं जो तखवा हो बच जाते हैं, बहुत से लोग बुराई के दलदल में फंस जाते हैं। तो ये जो फिल्में हैं ये इस बुराई को क्या कर रही हैं, प्रोमोट। कुछ उसमें अच्छी चीजें भी होती हैं, अब्बा के हुकूक सिखा दी, अम्मा के हुकूक सिखा, दो चार चीजें सिखा दी।